बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। उसके लिए ये मैंने चिकन लिया था, इसके बड़े पीस लिए हैं और इनको मैंने ऐसे कट लगा लिए। ये डीप कप कट लगाए हैं मैंने और इसके ऊपर अब मैं ये दो टेबलस्पून भर भर के मैं नमक डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। कप सिरका डाल के इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। इसको अच्छी तरह पहले मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। तो देखिए मैंने अच्छी तरह इस पर नमक और सिरका लगा लिया, इसमें मैं पानी डाल दूँगी थोड़ा सा और इसको थोड़ी देर भिगो के रख देंगे। 10-15 मिनट भिगोते हैं, फिर मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। ये देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं, इसको पानी में भी गेवे और सिरके और नमक वाले पानी में। इसको मैं ड्रेन करूँ फिर मैं आपसे मिलूँ। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से मैंने इसको खुशक कर लिया, इसको बड़े बर्तन में डाल लेंगे ऐसे। ये देखिए मेरे पास ये स्पाइस हैं इसको लगाने के लिए। ये मैंने एक पैकेट लिया है चिकन टिक्का मसाले का और एक टेबल स्पून भर के ये मेरे पास धनिया पाउडर है और ये मेरे पास क्रिस्पी फ्राई मसाला है, ये 2 टेबलस्पून होंगे। ये 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इन सब को इस पर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। क्रिस्पी फ्राई मसाला है ये मेरे पास, ये मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून है ये इस पर डाल दिए। और ये 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिए, ये भी इस पर डाल दिए। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इस पर मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छी तरह से लगाएंगे। जैसे मसाज कहते हैं ना करना चिकन का, तकरीबन वही हो जाएगा। बस इसको मैं अच्छी तरह ये मसाला लगाऊँ, ये देखो ऐसे मल मल के ना सारा मसाला ये उठा उठा के ऐसे लगा लेंगे। ऐसे इसके जो सारा जो नीचे पड़ा है ऐसे इसके जो स्पेस में लगाऊँ मैं अच्छी तरह लगा दूँ इसको। मैं इसको अच्छी तरह लगा के 20 मिनट के लिए, इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी इसे। ये उठा उठा के सारा मसाला इस पर डाल दूँगी। ये देखिए मैं अच्छी तरह इसको मसाला लगा दिया, इसको मैं 25 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, फिर मिलते हैं 25 मिनट के बाद। चिकन मैरिनेट हो गए, ये इसको मैंने आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम दिया है, अच्छा खासा मैरिनेट हुआ है। ये देखिए ऑयल गर्म है, इसको फ्राई करना है, यानी कलर देना है, इसको हाफ कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना इसको। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, जो मैंने लगा के रखा था वही काफ़ी था। और ये मैं फ्राई कर रही हूँ, सारा फ्राई करके निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये जो मैंने चिकन को फ्राई किया था ये ठंडा हो गया। ये मैंने आधा कप दही लिया है, इसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, किसी भी लाल मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि इसमें इसको नमक लगाया भी था मैंने तो काफ़ी पूरा है। ये सोया सॉस है 1 टेबलस्पून, ये चिल्ली सॉस है ये 2 टेबलस्पून भर के। बिस्मिल्लाह। ये सिरका ये 3 टेबलस्पून होंगे। बिस्मिल्लाह। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये इसमें मिक्स कर देंगे। ये मैंने चिल्ली 2 टीस्पून भर के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
मसाला भी डाल सकते हैं आप लोग। आप इसमें काली मिर्च डालें, गरम मसाला डालें, इसमें अचारी मसाला भी डाल सकते हैं आप। ये चिकन का मैरिनेशन थी जो मैंने पहले लगाई थी ना, ये एक टीस्पून था, ये भी मैंने इसी में शामिल कर दिया। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, इसमें अच्छी तरह साफ़ करेंगे इसको, और अच्छी तरह मैं इसको लगा के थोड़ी देर रखूँगी इसे, अच्छी तरह इसको लगा देंगे। यानी सारा कोट हो गया ये दही वाले मसाले में। मैंने नमक इसमें नहीं डाला, इसमें नमक काफ़ी है क्योंकि मैंने पहले भी लगाया था, और जो मसाला होता है फ्राई मसाला उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो मैंने इसको नहीं लगाया। ठीक है, ये इसको मैं रख देती हूँ। ये देखें सारा इसमें मैंने मसाला इसको लगा दिया, इसको 10-15 मिनट रख लेंगे तो फिर इसको स्टीम करते हैं। मैंने पतीले में पानी लिया, ये 3-4 स्टिक मैंने दालचीनी की और 3-4 लौंग लिए, ये इसमें डालेंगे। ये लेमन मैंने ये काट लिया था, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये 3-4 सफ़ेद मिर्ची और एक टहनी वाली होती है पुदीने की, है ये डालेंगे इसमें, और इसको स्टीम उबलने देंगे। तो मैंने स्टीमर प्लेट रखी हुई है, उस पर मैंने चिकन रेंज किया जिसको मैंने दही लगा के मैरिनेट किया था। 20 मिनट में स्टीम दूँगी, थोड़ा सा मसाला बचा हुआ ये भी ऊपर डाल देती हूँ और इसको स्टीम देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह हो गया। आप इसको एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोबारा हल्का सा फ्राई, थोड़ा सा फ्राई करें और इसको इस्तेमाल करें। मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखें स्टीम जो मैंने किया था ये तकरीबन ठंडा हो गया। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दोबारा हल्का सा फ्राई करूँगी। बस इसको थोड़ा सा कलर देना, ज़रा सा बस, ये बस इसको निकाल लेना, जो इसके मसाले वो साथ ही पक जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।